स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट है टू चेंज फॉन्ट। हमने लास्ट क्लास में फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा, अब हम फॉन्ट को चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? स्टेप नंबर वन, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू चेंज द फॉन्ट। जो जिस टेक्स्ट पे हमने फॉन्ट को चेंज करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप में होम टैब पे क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द फॉन्ट ऑप्शन ऑफ द फॉन्ट ग्रुप, क्लिक ऑन द फॉन्ट स्टाइल फ्रॉम द लिस्ट टू अप्लाई इट। ये डायलॉग बॉक्स बेटा ध्यान से देखो, ये आपने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे राइट किया हुआ है या प्री डिफाइंड है, पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। सेकंड में हम फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे जो कि होम टैब पे है। थर्ड में हम फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, देन हमारा आउटपुट आ जाएगा। एक आपका स्मार्ट टिप क्या है बेटा, जो इसमें बताया गया है वो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको फॉर्मेटिंग का रिजल्ट देखना है तो आपको जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको डीसेलेक्ट कर दो, तो वो स्क्रीन पे आपके रिजल्ट दिखाई देंगे। बेटा आप वर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट अप्लाई कर सकते हो अपने टेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग फॉन्ट साइज। नेक्स्ट टॉपिक है फॉन्ट साइज इज द साइज ऑफ कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट। आपके टेक्स्ट का क्या साइज हो? स्टेप वन, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू चेंज द फॉन्ट साइज। सेकेंड स्टेप है ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द फॉन्ट साइज। यहाँ पे आपका फॉन्ट साइज दिया हो बेटा जो डिफरेंट टाइप्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट में आता है। प्री डिफाइंड आपका 8 से स्टार्ट होके ये 72 तक चला जाता है, बट आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्लिक अ फॉन्ट साइज फ्रॉम द लिस्ट टू अप्लाई। सी दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर प्री डिफाइंड टेक्स्ट इज हेयर, देन यू फर्स्ट सेलेक्ट दिस टेक्स्ट, सेकेंडली देन यू सेलेक्ट द फॉन्ट साइज। इफ यू सेलेक्ट द फॉन्ट साइज इज 22, थर्ड स्टेप then output shown at a time when you deselect the text। बेटा जब भी आपको font size change करना है, पहले आप जितना भी text आपने लिखा हुआ है उसको select करोगे, second size select करोगे and then वापस जब आप click करोगे उसको तो वो आपके result को show करेगा। ठीक है बेटा, next है changing font color। हम अपने टेक्स्ट का या जो हमारा फॉन्ट कलर कैसे हम कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स का? सेलेक्ट द टेक्स्ट टू चेंज द कलर। सबसे पहले बेटा हमें उस टेक्स्ट को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे हमने फॉन्ट अप्लाई करना है, साइज अप्लाई करना है, कलर अप्लाई करना है, तो हमें अपने सेलेक्ट करना पड़ता है टेक्स्ट को। होम टैब में ड्रॉप डाउन एरो में फॉन्ट कलर होता है और फॉन्ट ग्रुप के अंदर एक पैलेट आता है जो कि आपके इस तरीके से दिखाई देगा, और आपको इसमें से कोई भी कलर चूज करोगे तो आपको उसी कलर का फॉन्ट दिखाई देगा। ओके बेटा, आज के लिए आपके पेज नंबर 48 एंड 49। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और करेंगे टॉपिक्स इसके बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन से रिलेटेड। तो अभी आपको पेज नंबर 47, 48 एंड 49 को ट्वाइस टाइम रीड आउट करना है और कैसे वर्ड के अंदर हम ये ऑप्शंस अप्लाई करते हैं मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू भी इनको बताऊंगी। ओके, और आपके पास अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप अवेलेबल है बेटा, इट इज़ नॉट अ नेसेसरी बट यू इफ़ यू हैव यू कैन ओपन वर्ड एंड डू इट इन एट योर होम, कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप किस तरीके से अपने वर्ड में अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट बना सकते हो। थैंक यू।